सकता है, और ये हमारे पास खड़े होकर के भाजपा के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि गरीबी है ही नहीं। साहब गरीबी है नहीं, शाम को मेरे साथ चला सुबह लाइन में जितने रेस्ट रहने होटल में जो राजा महाराजा का खाना हुआ करता था ना, राजा महाराजा खाते थे, साइकिल चलाने वाला मजदूरी करने वाला खा रहा है, गरीबी है गरीबी। मतलब आपके हिसाब से अगर कोई खाना खा ले तो गरीबी है? नहीं है, कोई गरीबी नहीं है। मिले और वाले को काम करने वाले को पहले 300 रुपए मिलते थे। अच्छा चलिए एक सवाल, पैसे 200 रुपए बढ़ गए तो ठीक है, ऐसे पब्लिक को भी तो बढ़ गए। एक सवाल आपसे और नोट दे रहा हूँ, अगर किसी को रोजगार दे दिया जाए, जैसे आपके साथी ने कहा सक्षम बना दिया जाए कि वो सिलेंडर ले सके, तो फ्री बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? अब क्यों फ्री बांटने? जवाब देता हूँ, दो दो है कि घर में दो दो है कि बेच दिया, एक रह गया बेच दिया, कितने सिलेंडर घरों में? मतलब उसको जलाने के लिए भी दे रहे हैं और बेचने के लिए भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि लोगों ने ताली बजा लो, शोर क्यों मचा रहा भाई, शोर क्यों मचा रहा, ताली बजा लो। चाचा मेरी बात सुनिए, आपका नाम क्या हो गया चाचा? रामनंद भाई पीछे करो ना सबको यार, आप कैमरा चलाने में परेशानी हो रही है, सामने पीछे करो सबको। आपको घर दिलवाएंगे, यहाँ पर बात दिलवाने के लिए साहब ये कह रहे हैं कि गरीबी है नहीं, गरीबी इन लोगों ने गरीबी का मुंह का देखा है। अरे जो हजारों कमाने वाले 100 रुपए कमाए, 300 रुपए कमाए, तब पता चले गरीबी क्या है। मेरे अपनी दो लड़के हाथ पा रहे थे ना, सिर्फ पैसे नहीं होने के कारण इलाज होगा, यानी खबर दो मैं बकरी जुगाता हूँ, झाड़ू से कमर दो हर काम करता हूँ, 300-400 रुपए का काम करता हूँ। और चाचा की उम्र भी बता रही है कि ये पिछले 60 सालों के भी ग्रस्त है और उसके भी ग्रस्त है, 70 साल की उम्र हो गई है। अरे आपने कितने नेता देखे रामपुर में, कभी किसी ने कुछ नहीं दिया? आजम खान ने कुछ दिया, बेगम साहब ने कुछ दिया, कुछ पहले कुछ दिया, बेगम साहब सांसद रही, आजम भाई मंत्री रहे, उनको बोलने को दीजिए, हमारी त्रिशन भी नहीं बनी है अभी तक, बस। चाचा आप यहाँ पर खड़े हो जाइए, आपने बिल्कुल सही बात की है, और ये बात किसी नेता की नहीं है, किसी नेता की नहीं है, एक तरफ से आवाज कोई गरीब नहीं है। अब आप सामने देख लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है, वो कहीं से पढ़ करके नहीं आए हैं या किसी ने उन्हें समझाया नहीं है कि क्या करना है। और ये बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तक सीमित नहीं रहती है, ये बात वहाँ पर भी जाती है जो पिछले दौर में सरकारें रही हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ना हमें पहले कुछ मिला ना हमें अभी कुछ मिला। कि 200-300 रुपए कमाने वाला और 300-400 रुपए, हमारे बच्चे रोटी खा रहे हैं, अगर उनका लाज नहीं मिलता तो हमारे बच्चों ऐसे परिवार पनप नहीं पाते। बिल्कुल सही बात है, ये आपके लिए दरअसल ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये आपके लिए सच है। सवाल है कि अगर उनको राशन ले करके, फ्री का राशन ले करके अगर अपना पेट पालना पड़ रहा है, तो वो इतने सक्षम क्यों नहीं है कि वो अपना राशन खुद खरीद सके? ये सवाल है। अगर आप कोई बात नहीं, चाचा अभी इनसे मिलिएगा, आपको ये सारी व्यवस्था करवाएंगे।
कमंडल और ये जो दुनिया भर की झंझट है, अगर ये चाचा जानते होते तो फिर यहाँ पर नहीं घूम रहे होते। पढ़े लिखे होने में, गैर पढ़े लिखे होने में, अस्पताल में व्यवस्थाएं लेने में बहुत फर्क होता है। आप इनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके पढ़े नेता के पास वहाँ मैं आपसे पहले भी यही बात कह रहा था, आप भी यही बात कह रहा हूँ, और दोबारा मुझे पीछे में आ रहा हूँ। मैं भी इसको बहुत अच्छी तरीके से की बात कर रहा हूँ, और इस व्यथा के लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी हमारा समाज भटकती तरीके से जा रहा है। ये 70 वर्ष की आयु में आज यहाँ तक है। देखिए हमारी दुनिया जो है ना, जो पिछली 60 साल की परेशानियां इन्होंने दी है कांग्रेस के शासन ने, आप ये सोचे या हम ये सोचे, हम इसे चुटकी बजाते दूर कर देंगे, इतना आसान नहीं है। आज इन 10 सालों में हमने कैसे कैसे करके योजनाओं का लाभ पीछे तक पहुंचाना शुरू करा है, ये हम जानते हैं। आज हम उसे 100 राजगारी बनाने के लिए कितनी योजनाएं चला रहे हैं और कितनी कोशिश करके उन तक उसका लाभ पहुंचे, ये हम प्रयास कर रहे हैं, ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले 2047, शायद आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन नहीं सुना, आने वाले 2047 का हमने लक्ष्य लिया है कि हमें इस देश को विश्वगुरु बनाना है और यहाँ की सारी समस्याओं का हम इसका निस्तारण करना है, इसीलिए हम ये योजनाएं चला रहे हैं। देखिए कोई भी योजना एक दिन में 140 करोड़ को नहीं छू सकती। आज अगर हम 11 करोड़ किसानों तक पहुंचे तो ये 10 साल का हमारा वर्किंग है। आज अगर हम 9.5 करोड़ कनेक्शन महिलाओं के बांटे हैं तो ये हमारे 10 साल की वर्किंग है। आज अगर इन चीजों की सुविधाएं बुनियादी, मैंने आपको बताया एम्स ऐसे क्यों था कि 60 साल में 6 थे और इन 10 सालों में हमने 11 और नए खड़े करे। जब हमने करा, कांग्रेस वाले तो चले गए यहाँ से, चले ही जाएंगे साहब। देखिए इनके पास कोई जवाब नहीं होता, तथ्यों पे बात नहीं की जाती, वो चले ही जाएंगे। देखिए सर, एक सेकंड, आपने जनता का दर्शन, ये सिर्फ टीवी डिबेट नेता होंगे, मैं जमीनी आदमी हूँ। रोज मेरे, अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे जाएंगे, जितने बच्चों की फीस जमा करने के मेरे पास आते हैं, मैं उन बेचारों को खुददार लोग जो बड़े अच्छे घर के हैं, जो कह भी नहीं पाते, इस बेचारे तो कह दिया, वो कह भी नहीं पाते अपनी खुददारी की वजह से कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि बच्चों की फीस जमा कर दूं, वो कह नहीं पाते अस्पताल में आते हैं। एक मिनट, 500 रुपए जमा फीस के करने के लिए, परसों ही मेरे, आप मेरे, आप मेरे फेसबुक पे जाइएगा, जाके देखिएगा, 3100 रुपए फीस जमा करने के उसके 500 रुपए को बढ़ी दीजिए। आगे मैं बताता हूँ आपकी, आप जमीनी असल में आप खाली टीवी डिबेट में देखते हैं, खाली टीवी में सब चंगा दिखाते हैं, जमीन पे जाकर देखिए हकीकत क्या है। आप प्रोटोकॉल को हटाकर जाइए, नेता का प्रोटोकॉल हटाकर जाइए, अस्पताल में गरीब बन के जाइए, देखिए आप गरीब में जाकर देखिए, गरीब को कैंसर कर दिया। एक बेचारी औरत जिसके पेट में बच्चा है, उसके पास दर्द हो रहा है, अगर वो अमीर होती तो आपके सरकारी अस्पताल में क्यों जाती, उसको रिफर कर दिया जाता मुरादाबाद के लिए। क्या उसके पास इतना पैसा है कि वो मुरादाबाद में जाती? खुद एक बार पेशेंट के पास मैं गया, उसके राइजिंग ट्यूब से, राइजिंग ट्यूब से, एक मिनट रुक जाइए, राइजिंग ट्यूब से, आप दर्द को भाषण कहते हैं, गरीबों के दर्द को भाषण कहते हैं।